नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कृतिका सिंह। नंबर वन चैनल के नंबर वन शो में आज हम आपको 10 ऐसे वीडियो दिखाएंगे जिसे लेकर पुतिन बहुत ज्यादा परेशान हैं। ये वीडियो ज़ेलेंस्की ने बनवाए हैं और फिर उन्हें पूरे यूरोप में वायरल कर दिया है। इन वीडियो में पुतिन को लेकर कुछ ऐसा है जो उनको लगता है कि दुनिया को इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। ऐसे वीडियो और ना बने, इसके लिए पुतिन ने अपने रक्षा मंत्री को एक अहम मिशन पर लगा दिया है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि रूस से हेलीकॉप्टर का एक हाई प्रोफाइल काफिला यूक्रेन के लिए रवाना हुआ? एक तरफ MI-17 E-5 और उसको एस्कॉर्ट करता कॉम्बैट हेलीकॉप्टर Kamov-52। MI-17 E-5 में बैठे हैं रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु और वो यूक्रेन में रूस के एक अड्डे की तरफ जा रहे हैं। मॉस्को को रिपोर्ट मिली है कि ज़ेलेंस्की की फौज ने 3 हफ्तों में रूस के 130 टैंक तबाह कर दिए हैं। यानी पिछले 3 हफ्तों में हर रोज पुतिन के 6 टैंक मारे गए। यूक्रेन ने रूस के एक बॉमर फाइटर Sukhoi-34 को भी मार गिराने का दावा किया है। ऐसी नाकामियों की खबर ने रक्षा मंत्री शोइगु को बेचैन कर दिया और वो निकल पड़े डॉनबास के एक अड्डे की तरफ पूरी हिफाजत के साथ। युद्ध में ऐसा पहले भी हो चुका है कि शोइगु को मोर्चों की तरफ खुद जाना पड़ा है। इस बार भी मुश्किल बहुत बड़ी है क्योंकि कई शहरों की तरफ कब्जे के लिए बढ़ रही रूस की फौज को ऐसे झटके लगे जिसे आप रूस की फौज के लिए 440 वोल्ट का करंट कह सकते हैं। ऐसी नाकामी पुतिन कतई बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ये बात शोइगु बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन मोर्चे पर पहुंचने पर शोइगु ने ऐसे दिखा जैसे ऑल इज वेल और रूस को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। ये साबित करने के लिए शोइगु ने कुछ अफसरों और फौजियों को बहादुरी के तमगे भी दिए। इस वक्त शोइगु पर भी आफत कम नहीं है, वो बहुत ज्यादा प्रेशर में है। शोइगु पुतिन के बहुत वफादार माने जाते हैं, लेकिन वो अकेले नहीं। दूसरा नाम है चेचन कमांडर रमजान कादिरव का। पुतिन इन दोनों की सलाह के बिना कोई फैसला नहीं लेते, ना ही इन दोनों के बिना वो कोई मिलिट्री ऑपरेशन शुरू करते हैं। लेकिन अब दोनों को खुला हाथ देने के बावजूद पुतिन की फौज को बुरी खबरें मिल रही हैं। हर युद्ध की आगे की क्या रिपोर्ट है, इसे आपको तफसील से बताते हैं। ग्राउंड रिपोर्ट यह है कि यूक्रेन का कहना है कि 1 साल के दौरान इससे खतरनाक टैंक युद्ध नहीं देखा गया है। फरवरी के बाद मार्च और खतरनाक होने जा रहा है क्योंकि अब ज़ेलेंस्की को नेटो से 3 तरह के टैंक मिल रहे हैं। पहला है जर्मनी का लेपर्ड टैंक, दूसरा है ब्रिटेन का चैलेंजर टैंक और तीसरा अमेरिका का M1A1 एब्रम्स टैंक मिलने की उम्मीद भी पक्की है। अभी ज़ेलेंस्की को इनमें से कौन से टैंक कितने मिलेंगे ये पूरी तरह साफ नहीं किया गया है, लेकिन ये टैंक यूक्रेन की जमीन पर देखने से पहले अचानक ज़ेलेंस्की की फौज के हौसले नए लेवल पर पहुंच गए हैं। यूक्रेन का दावा है कि वो अब तक रूस के 3,400 से ज्यादा टैंक तबाह कर चुका है। पूरे साल के हिसाब से देखा जाए तो औसतन रूस ने रोज 9 टैंक खोए हैं, लेकिन ये अलग अलग मोर्चे की रिपोर्ट है। जबकि वोलेदार में पुतिन ने 3 हफ्तों में 130 टैंक खो दिए हैं। स्वतंत्र जरियों की रिपोर्ट बताती है कि पुतिन ने अब तक 1,000 से कुछ ज्यादा ही टैंक इस युद्ध में गंवाए हैं। पुतिन के टैंक के लिए 3 हफ्तों की रिपोर्ट वाकई बहुत डराने वाली है। यूक्रेन की फौज ने ये 130 टैंक वोलेदार में फोड़े हैं। रूस का जो नुकसान हुआ है उसके 10 वीडियो के ट्रेलर पुतिन को परेशान कर सकते हैं। ये है ज़ेलेंस्की और पुतिन की टैंक वॉर का वीडियो नंबर 1। ये वीडियो एक ड्रोन से बनाया गया है। हमले के बाद रूस का टैंक बेकाबू हो जाता है। अचानक टैंक में एक बड़ा धमाका होता है और भाग रहा ड्राइवर उछल कर दाईं तरफ दूर जाकर गिरता है।
देखिए कैसे ड्राइवर उछल कर करीब 50 मीटर दूर जाकर गिरा। अब देखिए वीडियो नंबर 2। इसमें एक टैंक छुप कर हमला करता है। ताज्जुब की बात यह है कि तेजी से बढ़ता हुआ टैंक सामने खड़े दुश्मन को देख नहीं पाया और पॉइंट ब्लैंक रेंज से आराम से उसका शिकार हो गया। अब देखिए वीडियो नंबर 3। रूस का एक टैंक किसी मिसाइल से नहीं बल्कि आरपीजी या कहें कि रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड से उड़ा दिया जाता है। इस वीडियो में यूक्रेन का एक सैनिक रूस के टैंक पर आरपीजी से निशाना साधता है और फिर देखिए कैसा धमाका हुआ। अब देखिए रूस और यूक्रेन की टैंक वॉर का वीडियो नंबर 4। डॉनबास में रूस का टैंक दलदल में फंस गया और फिर उसमें होता है एक बहुत बड़ा धमाका। रूस के टैंक को यूक्रेन के हमले में पहले निष्क्रिय कर दिया गया था और फिर अंदर लगी आग ने टैंक में रखे गोलों को भी एक्टिव कर दिया और फिर हुआ बड़ा धमाका। वीडियो नंबर 5 में आपको टैंक के जल भुन जाने वाला खौफ नजर आएगा। यूक्रेन की 68वीं ब्रिगेड ने रूस के टैंक को डायरेक्ट मिसाइल हिट में तबाह कर दिया। ये टैंक खेतों के बीच छुपकर और आगे पीछे होते हुए हमले कर रहा था कि तभी इस टैंक पर यूक्रेन की फौज एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से हमला करती है। वीडियो नंबर 6 में रूस का T-80 टैंक सड़क किनारे पलट गया। उसका क्रू किसी तरह निकलकर भाग गया और अब यूक्रेन के सैनिक इसका जायजा ले रहे हैं। टैंक अपने सामने हर चीज को रौंदते हुए आगे बढ़ता है, लेकिन यह भी सच है कि जब टैंक बेकाबू होता है तो खुद को संभाल नहीं पाता। यूक्रेन में रशियन टैंक जिनमें T-90 है, T-72 है और T-80 भी है, उन्हीं को दुनिया ने तबाह होते देखा है। इनमें से भी सबसे ज्यादा बुरा हाल पुराने T-72 का हुआ है। कई हमलों में ऐसा हुआ है कि T-72 टैंक का ऊपरी हिस्सा यानी टैरेट धमाके के बाद तेजी से उड़ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि टैंक के अंदर वो गोले भी रखे होते हैं जिन्हें टैंक से दागने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी टैंक का एमुनिशन। जब टैंक में आग लगती है तो उसमें रखे 45 गोले भी एक्टिव हो जाते हैं और फिर बड़ा सा ऐसा ब्लास्ट होता है जिससे ऊपरी हिस्सा बहुत ऊपर उछल कर गिर जाता है। वीडियो नंबर 7 में जैवलिन मिसाइल का हमला देखिए। यहाँ एक ठिकाने से छुप कर रूस के टैंक पर जैवलिन मिसाइल फायर की जा रही है। निशाना ले लिया गया है, बस मिसाइल फायर करने की देर है और फिर देखिए कैसे टैंक तबाह होता है। वीडियो नंबर 8 में टारगेट बनता है रूस का T-80 टैंक। ये वीडियो यूक्रेन के एक ड्रोन ने बनाया है और आप इसमें रूस की टैंक पावर की गिरती हुई साख को बहुत आराम से देख सकते हैं। ये तस्वीरें अगर पुतिन देखेंगे तो जरूर बेचैन हो जाएंगे। ये मिसाइल आई और टैंक के ऊपरी हिस्से पर वार किया। धमाका होने के बाद टैंक की टैरेट करीब 15 मीटर हवा में उछलती है। सभी टैंक साइड से चाहे जितनी मोटी बख्तर क्यों ना उड़े हुए हो, उनका ऊपरी हिस्सा जहां से क्रू बाहर निकलता है उसकी फौलादी चादर इतनी मोटी नहीं होती, इसलिए टॉप एंगल से गिरने वाली मिसाइल रूसी टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों को बचने का कोई मौका नहीं देती। यूक्रेन की फौज और मिलिशिया इस वक्त 3 तरह के एंटी टैंक वेपन सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा है। इनमें पहली है अमेरिका से मिली जैवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम जिसकी रेंज 4 किलोमीटर है। ब्रिटेन से मिला एनग्लॉस सिस्टम यानी नेक्स्ट जनरेशन लाइट एंटी टैंक वेपन, रेंज 800 मीटर। ये दोनों टॉप एंगल अटैक वाली मिसाइल है। तीसरा है स्वीडन से मिला 84 रॉकेट लॉन्चर, 600 मीटर रेंज वाले सिस्टम का इस्तेमाल अमेरिकी सेना ने अफगानिस्तान में भी किया है। किसी भी युद्ध में टैंक सबसे सुरक्षित और सबसे ताकतवर मशीन मानी जाती है, लेकिन यूक्रेन और रूस के युद्ध ने इस बात को गलत साबित कर दिया है। जिस टैंक को रूस ने मॉस्को में विक्ट्री डे परेड में बहुत शान से उतारा, जिस टैंक को पुतिन ने रूस की बख्तरबंद फौलाद वाली ताकत का नायक बताया, जिस टैंक को रूस ने यूक्रेन में इस उम्मीद के साथ उतारा कि वो ज़ेलेंस्की की फौज को रौंद डालेगा, वो अब बहुत सस्ते में मारा जा रहा है। अब देखिए रूस और यूक्रेन के टैंक वार का वीडियो नंबर 9। ये यूक्रेन के खार्कीव के करीब एक फ्रंट का वीडियो है जहां रूस के T-90M टैंक को यूक्रेन की फौज ने एक रॉकेट लॉन्चर से उड़ा दिया। देखिए अब इस टैंक की हालत। रूस का ये टैंक T-90M इसका सबसे आधुनिक वर्जन है जिसकी कीमत 40 करोड़ थी और यूक्रेन ने इसे ऐसे गोले से दबा कर दिया जिसकी कीमत है 1 लाख रुपए। यानी ज़ेलेंस्की 1 लाख के गोले से पुतिन के 40 करोड़ रुपए के टैंक को दबा कर रहे हैं। अब देखिए रूस और यूक्रेन की टैंक वार का वीडियो नंबर 10। इस वीडियो में यूक्रेन का टैंक T-64 आगे बढ़ते हुए देखा जा सकता है। ये टैंक रूस के टैंकों के मुकाबले में बहुत पुराना है। नेटो से मिली एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ने इसका काम तमाम कर दिया, इसलिए जब तक जैवलिन और एनग्लॉ जैसी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें मौजूद रहेंगी, ज़ेलेंस्की पुतिन को टक्कर देते रहेंगे।
रूस के टैंकों को टारगेट करते रहेंगे और इसलिए पुतिन के बेहतरीन से बेहतरीन टैंकों के सामने बड़ा चैलेंज बरकरार रहेगा। जिससे भी लग रहा है कि यूक्रेन और रूस का युद्ध थम जाएगा या कोई बैकफुट पर पहुंच चुका है, तो होशियार, पुतिन की टैंक पावर को ज़ेलेंस्की मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। और इस वक्त यूक्रेन में टैंक के मुकाबले टैंक वाला युद्ध सातवें आसमान पर पहुंच चुका है। जमीनी युद्ध में सबसे खतरनाक हथियार टैंक होते हैं, लेकिन जब टैंक निशाना बनते हैं तो पूरी पैदल फौज का हौसला भी टूट जाता है। ज़ेलेंस्की इस वक्त रूस की फौज के इसी हौसले पर लगातार हमला कर रहे हैं।